नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जैसे मान लो कॉलम निकालते हैं, तो कॉलम बनाने से पहले अगर जहां से हम कॉलम को स्टार्ट करते हैं वहां पे स्टार्टर किस तरीके से भरते हैं और एक ही स्टार्टर में कितने आप स्टार्टर एक रोज में लगा सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। और आप अगर चैनल पर पहले से हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो स्टार्टर है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो स्टार्टर की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो जो अपने पास कॉलम है वो उसके ऊपर अच्छे से हम बोल्ट या सिकंजे से कस सकें, तो उसके लिए उस स्टार्टर की जो ऊंचाई होनी है वो ऊंचाई कम से कम भी अगर हम मान के चलें तो 6 सेंटी होनी चाहिए। जबकि हम इसके ऊपर कॉलम लगाते हैं उस टाइम में कॉलम का कोई भी हिस्सा स्टार्टर से बाहर ना रहे। अगर एक हिस्सा, एक साइड का भी हिस्सा कॉलम का जो स्टार्टर लगाया है उससे अगर बाहर रह गया तो उसमें फिर कोई सही माप में नहीं आएगा। और अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो दिखाऊंगा एक स्टार्टर से 1 मिनट के अंदर स्टार्टर को किस तरीके से तैयार करते हैं। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो अब आगे से बिल्कुल पूरा अनकट होगा, जहाँ तक स्टार्टर का दमा नहीं खुलेगा वहाँ तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो अपने पास स्टार्टर है उसके चारों तरफ बढ़िया ऑयल से, जो काला कलर का जो जला हुआ ऑयल आता है वो ऑयल से इसको चारों तरफ से साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से अंदर की साइड से। उसके बाद इसके ऊपर जो अपने पास जो रोड़ी कंक्रीट का जो माल है वो इसके अंदर भर लेते हैं, जिस तरीके से कॉलम में भरते हैं उसी तरीके से इसके अंदर भर लेते हैं। उसके बाद जो अपने पास सूखी सीमेंट होती है जो बिना भी, उससे क्या है कि इसके ऊपर इस तरीके से इसको छिड़क देंगे ताकि ये इसका पानी है वो सोख लेगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि इसको अच्छे तरीके से हल्के से इसको यहाँ से उतार लेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसको उतार कर, जैसे कि ये हमने यहाँ से ये ईंट साइड में रोकने के लिए इसको लगाई थी, अभी इसको हटा देंगे। अभी किसी भी चीज़ से आपके पास जैसे मान लो छोटा कोई भी हथौड़ा है या कुछ है, उससे थोड़ा सा इसको हल्का हिलाकर और इस तरीके से इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो आप भी इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर एक स्टार्टर है तो आप दिन भर में कम से कम भी अगर माप में लगाना चाहते हो और सही तरीके से लगाना चाहते हो तो लगभग आप 15 स्टार्टर एक रोज में निकाल सकते हो। जैसे कि अभी ये जो सामने का एंगल है वो यहाँ से रिमूव करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्टार्टर किस तरीके से आपको दिखाई देगा। अभी मैक्सिमम 1 मिनट हुआ नहीं है और मैंने आपको यही बताया था कि 1 मिनट के अंदर एक कॉलम का स्टार्टर है वो तैयार किस तरीके से करते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।